वेलकम टू माय न्यूट्रिशियस रेसिपीज़। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो कलर के खमण हैं, लेकिन इसमें टेस्ट भी दोनों में डिफरेंट है। तो अब देखते हैं हम कैसे बनते हैं ये डबल टेस्ट वाले खमण। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में 3/4 बाउल सूजी डालेंगे, और ये बारीक वाली सूजी है। इसमें हम आधा टीस्पून जितना नमक, और इसमें डालेंगे दही, तो ये 1/4 बाउल से ज़्यादा और आधे बाउल से थोड़ा सा कम दही है। इसको मैंने फेंट के हल्का सा गरम भी किया हुआ है। अब इसी में आधा बाउल जितना पानी लेंगे और इसका एक बैटर बना देंगे। तो अभी हमें इसे मिक्स करके रख देना है रेस्ट के लिए। 10 मिनट में ये हो जाएगा, क्योंकि ये बारीक सूजी। अब दूसरे मिक्सिंग बाउल में लेंगे आधा बाउल बेसन, उसमें नमक डाल देंगे 1/3 टीस्पून जितना, और इसमें 1/4 बाउल जितना मैंने दही डाला है, इसे भी हल्का गर्म करके मैंने फेंट लिया था। और इसमें डाल देंगे पानी, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/4 बाउल जितना पानी मैंने यहाँ पर डाला है, और इसका बैटर बनाएंगे। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग हल्दी, इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच जितनी मैंने शक्कर डाली है, ये थोड़े से खट्टे मीठे भी हो जाएंगे ऊपर के। अब इसको भी रेस्ट के लिए रख दिया है। तब तक हमारा ये जो रेडी हो गया है सूजी का बैटर, सीमर को भी हम रेडी कर देंगे साथ में। और इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे 3-4 मिनट। इस तरह से हम जब हिलाते हैं तो ये काफ़ी लाइट हो जाता है बैटर, और ये फूल भी जाता है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल गया है। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना इनो, 1-2 टीस्पून जितना इसमें पानी डालेंगे। तो आप कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमें इसको। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ मैंने एक टिन लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो ये देखिए, इंस्टेंट खमन बन गए हैं। 1 घंटे में तो आपका ये पूरा रेडी भी हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। 10 मिनट को हम इसमें स्टीम करने के लिए रख दिया है। साथ ही में एक पेस्ट बना देते हैं। तो इसमें हरी मिर्च, धनिया लीव्स, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा दही और थोड़ी सी शक्कर डाली है। ये काला नहीं पड़े पेस्ट इसके लिए। जब तक हमारा ये जो सूजी का बैटर स्टीम हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, इसकी पेस्ट बना के बेसन का बैटर रेडी करेंगे। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको दरदरा पीसा है, आप देख सकते हैं पूरी स्मूथ पेस्ट नहीं बनाई है। अब हम ले लेते हैं बेसन, और इसमें डाल देते हैं ये पेस्ट। इसमें भी ऑयल डालेंगे 1 चम्मच। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी इतना अच्छा है, और बेसन में जब मिक्स होगा तो ऊपर का बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। अब इनो डालने से पहले हम इसे चेक करेंगे, ये सूजी का हमारा ढोकला रेडी हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, नाइफ डाल के मैंने इसमें देखा है, और ये 10 मिनट में स्टीम हो गया है। काफ़ी ये पतला भी है और छोटा सा टिन है। तो अब इसको कवर करके पहले रखते हैं, फिर इनो डाल देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना होता है हमें। आप ये जब मिक्स करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिक्स करना है। एक बार हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस ये देखिए, इस तरह से जब बैटर फूल जाता है, हमें पता चल जाता है कि मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा सा टेढ़ा रह रहा है, क्योंकि प्लेट बराबर नहीं रखी मैंने, थोड़ी छोटी रख दी थी। इसके ऊपर सारा बैटर इस तरह से डाल दिया है। अब 7-8 मिनट और रख देते हैं, और इसे स्टीम होने देते हैं। तो ये देखिए, पूरे 18 मिनट मुझे लगे हैं इसे स्टीम करने में। नीचे ले लेंगे और ठंडा होने देंगे, उसके बाद में इस तरह से हम करेंगे। मुझे इसको पूरा निकालना है, डीमोल्ड करना है। तो इस तरह से प्लेट में रख के मैंने किया है यहाँ पर, और ये जब अच्छे से स्टीम होगा तभी इस तरह से डीमोल्ड होगा। आप जाली देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी पड़ी है, और कलर भी कितना अच्छा आया है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरह से कितना जालीदार खमण बन के रेडी हुए हैं। इसमें आपको दोनों चीज़ों का टेस्ट मिलेगा, बेसन और सूजी का।
और ऊपर का हमने स्पाइसी बनाया है इसलिए उसमें हरी मिर्च अच्छी तरह से डाली थी। अब ये देखिए सिंपल सा तड़का जो हम लगाते हैं वही लगाया है। एक बार आप ज़रूर इस तरह से भी बना के खाइए।